आइए प्रिय छात्रों, तो मैं आज के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए जो आपका वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक्स है, तो ये आपको बताइए कि आपके जो सिलेबस में आता है यानी कि आपके इकोनॉमिक के लेकर आता है, और स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के अंदर जो टॉपिक्स आपका एमए के अंदर, तो ग्लोबलाइजेशन तो ये आपका टॉपिक्स है। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले वीडियो आपको टाइम टाइम मिलती रहे इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। और तो आज का टॉपिक्स हम शुरुआत करते हैं, आइएगा। तो देखिएगा अपना वैश्वीकरण क्या है और इसके अर्थ को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है एक देश की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र व्यापार, पूंजी व श्रम के उदार प्रभाव आदि की सहायता से अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। यानी कि वैश्वीकरण के अंदर क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब का मतलब है कि विस्तृत, यानी कि पूरी पृथ्वी, यानी कि हमारे पूरे संसार के अंदर जितने भी देश हैं वो देश क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए मतलब जो व्यापार संबंधी प्रतिबंध है उनको हटा देंगे, ठीक है। दूसरे देश की कंपनियां यहाँ आकर के किसी देश में जाकर के वो अपने मतलब फैक्ट्रियां लगा सकती हैं। जैसे कि आज भी आप देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण ही जो दूसरे देशों की कंपनियां हैं वो भारत के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। और तो इसी के कारण ये सब संभव हो पाया, किसी कारण, वैश्वीकरण के कारण। तो वैश्वीकरण घरेलू अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ संबंध बढ़ाया जाता है। इसके अंतर्राष्ट्रीय अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को घरेलू अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए आकर्षित किया जाता है, ताकि विदेशी कंपनियों को यहाँ न्योता दिया जाता है कि वे हमारे देश में आएं और हमारे देश में आकर के क्या करें, वो मतलब यहाँ आकर के अपनी कंपनी स्थापित करें। वैश्वीकरण का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों है। मान लीजिएगा कोई विदेशी कंपनी यहाँ कर आती है, सपोज कीजिएगा कोई कार बनाने की कोई फैक्ट्री कंपनी है वो भारत के अंदर आती है, और भारत के अंदर भी ऑलरेडी कंपनी है कार बनाने की, और जो वो बाहर से कंपनी आ रही है वो बढ़िया क्वालिटी की कारें बना रही है, बढ़िया जैसे ऑडी कार है या फिर जैसी मतलब और बहुत सारी गाड़ियां हैं, मतलब हाई क्वालिटी की जो गाड़ियां बनाती हैं और थोड़ी कम रेट में हैं, तो जो भारत के अंदर जो गाड़ियां बन रही हैं उनका दाम भी ज़्यादा है और उसके अंदर इतनी मतलब टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इतने ज़्यादा सिस्टम भी नहीं लगे उन गाड़ियों के अंदर, तो वो गाड़ियां नहीं बिकेंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो भारत की जो कंपनी है वो क्या है मतलब घाटे में चली जाएगी, भारत की कंपनियों की वो कोई गाड़ी खरीदेगा नहीं, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, और जो विदेश से आई हुई कंपनी यहाँ क्या है वो ग्रो कर जाएगी, ठीक है, और वो यहाँ उसका साम्राज्य फैल जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिएगा एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके गांव के अंदर मान लो एक के आटा पीसने वाले की दुकान है, आटा चक्की की दुकान है, और सभी उसी से गांव वाले आटा पिसवाते हैं, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि एक और व्यक्ति बाहर किसी गांव का आ गया और उसने वहां आटा चक्की लगा ली, तो उससे क्या हुआ कि उसका कंपटीशन बढ़ेगा, आधे ग्राहक उसके पास चले जाएंगे, ठीक है। हो सकता है उसके बाद एक दो और आ जाएंगे तो उसका बिजनेस बिल्कुल ही ठप हो जाएगा, दो तीन और भी व्यक्ति आटा चक्की दुकान खोल ले तो उसके कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, उसके ग्राहक भी कम हो जाएंगे, ठीक है, तो उसका बिजनेस धीरे धीरे डाउन आने लगेगा। तो इस प्रकार नेगेटिव इफेक्ट भी है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि दूसरे देश की कंपनियां सपोज कीजिए आगे अगर भारत के अंदर आती हैं तो उससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, सीधी सी बात है। जैसे कि आज के टाइम में रोजगार की बहुत कमी है, विदेशों की जो कंपनियां हैं वो यहाँ आकर फोन मोबाइल्स की कंपनियां हैं, जैसे कि आपने देखते हैं जितने भी एंड्रॉयड फोन है आपके, एप्पल के फोन है, ये सारी एप्पल है, रेडमी है, जितने भी फोन है, लैपटॉप्स हैं, ये सारे जो क्या है विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आ चुकी है, वो यहाँ पर मतलब इन चीज़ों को बनाती है और यहाँ बेचती है, और जो भारत की जो कंपनियां हैं वो क्या है जिसके कारण वो कंपनियां क्या भारत की कंपनियों का मतलब सिस्टम जो गड़बड़ आ चुका है। या हम एग्जाम्पल लें वैश्वीकरण का तो नहीं है लेकिन एक छोटे वो वैश्वीकरण उसे नहीं कहेंगे, जैसे कि जियो आया था,
तो जियो ने क्या किया था, सस्ते सबसे पहले सस्ते दाम पर लोगों को रिचार्ज उपलब्ध कराया, और जिसके कारण क्या है, बाकी जो एयरटेल है, वोडाफोन है, उनको वो पिट गए, ठीक है। वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाए, मतलब वो उनके आगे डगमगा गया। लेकिन जियो वाले ने अब धीरे धीरे मतलब उनके अपने ग्राहक बना लिए, और ग्राहक बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, आप रेट धीरे धीरे बढ़ाते जाने हैं, ठीक है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन सी है, लेकिन ये जो एग्जांपल दिया ग्लोबलाइजेशन का नहीं, इसी प्रकार मतलब कंपटीशन है बिजनेस के अंदर, आजकल कंपटीशन है हर चीज़ के अंदर, कंपटीशन है, चाहे आप नौकरी की सरकारी नौकरी में देख लें, बिजनेस में देख लें, हर चीज़ में कंपटीशन है। आगे देखिएगा, वैश्वीकरण घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशी बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं प्रवेश के लिए खोल दिया जाता है, आयात पर लगे प्रतिबंधों को कम किया जाता है। यानी कि जो आयात पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, मतलब कोई देश, आप दूसरे देश से मतलब सामान मंगवाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, तो वो टैक्स हटा दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें। देखिएगा, कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं होता, उसे किसी न किसी चीज़ के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। कोई चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ती है, सपोज कीजिए कि भारत के अंदर तेल यहाँ इतना ज़्यादा नहीं होता, ईरान इराक से हम मंगवाते हैं, और वहाँ क्या है, ईरान इराक के अंदर मतलब तेल ज़्यादा है, लेकिन वहाँ इतना अन्न का उत्पादन नहीं होता, गेहूं चावल नहीं होता, तो भारत से क्या है, आयात करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे देश हैं, मतलब कोई भी देश है, देशों का एग्जाम्पल छोड़ के आप बेसिक अगर आप खुद पर ही लगाएं, आप अपने मतलब समाज में, परिवार के अंदर, आप आपका घर है, मतलब आप रहते हैं जहाँ, तो आसपास के पड़ोसियों से भी और आपको भी पड़ोसियों से कोई ना कोई काम पड़ता रहता है, कोई ना कोई चीज़ ले आने के लिए आप उनके घर जाते हो, वे आपके घर आते हैं, मतलब समाज के बिना आप अकेले नहीं रह सकते। उसी प्रकार जो जितने भी देश हैं उनके साथ है, ऐसा ही नेशंस के साथ है, कि कहीं ना कहीं डिपेंड है एक दूसरे पर, मतलब सारी चीज़ें, देख किसी के पास सभी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है, उनसे खरीदना पड़ता है, ठीक है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों से भी निवेश कर सकती है जो पहले विदेशी कंपनियों के लिए वर्जित या प्रतिबंधित थे, और वैश्वीकरण यह मानना है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाना चाहिए, इससे विश्व के उच्च तकनीकी विशिष्ट ज्ञान उत्पाद सेवाओं आदि का घरेलू अर्थव्यवस्था में अंतः प्रवाह बढ़ेगा। विकसित देशों में पूंजी टेक्नोलॉजी विश्व के विकासशील देशों जैसे चीन, भारत आदि में निवेश की जाएगी, ठीक है। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी होती हैं, जो दूसरे देशों में जा करके मतलब अपनी फैक्ट्रियां लगाती हैं, उत्पादन माल वहाँ का होता है, कच्चा माल वहाँ से उसी देश का होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी की सिर्फ उसकी क्या होती है, सिर्फ टेक्नोलॉजी होती है, मजदूर भी वहीं के ही होंगे, ठीक है, उसी देश के होंगे, कच्चा माल भी उन्हीं देश का, परिवहन के साधन भी उन्हीं देशों को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कहता है, अब बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई देशों में अपने उत्पाद, सेवाएं, टेक्नोलॉजी आदि बेचती हैं। संचार, परिवहन की सुविधाओं के विकास से एक देश के लोगों के अन्य देशों में आवागमन बहुत वृद्धि हुई है। लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करना, पर्यटन, चिकित्सा, नौकरी आदि के लिए देशों में पहले से अधिक जाते हैं। यानी कि आज ये ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है। आज के टाइम में आप क्या ज़्यादातर स्टूडेंट के रहता है कि कनाडा चले जाएं, वीज़ा बनवा लिया, 10वीं 12वीं करी अपना, मतलब वो आईलेट्स में एडमिशन लिया, और आईलेट्स में एडमिशन लेने के बाद टारगेट क्या है, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, इंग्लैंड चले गए, मतलब वहाँ जाकर के कुछ भी काम करो। इनकी फॉरेन कंट्री में आपको पता है कि पैसा ज़्यादा मिलता है, यानी कि अमेरिका के अंदर चले गए तो अमेरिकी डॉलर है, सही बात, जाके आप झाड़ी पोछा भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन पूछता है, यहाँ से गए वहां जा करके क्या है, मतलब सड़क बारी काटने वाला भी लग गए, किसी घर में काम करने लग गए, ठीक है। तो ये मतलब कोई भी चीज़ वहां जाके झाड़ी मजदूरी भी करोगे तो मतलब वहां डॉलर मिलते हैं, और वो डॉलर जब भारत में आते हैं तो उसका पैसा डबल हो मतलब हो जाता है। तो आपको पता है कि डॉलर का लगभग 75 का रेट है, 75 का रेट चल रहा है, यानी कि 1 डॉलर 75 रुपये की इंडियन करेंसी बराबर है। तो इस चीज़ तो इसका बेनिफिट लोग ले रहे हैं। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्री के अंदर जा रहे हैं। तो पंजाब के अंदर, भारत के अंदर पंजाब राज्य की बात करें जाए तो बहुत से ज़्यादा जो लोग हैं पंजाबी जो लोग हैं वो विदेशों में ही जाना चाहते हैं,
ठीक है, वहीं जाना उन्हें पसंद है। जैसे कनाडा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सरदार सिख लोग मिलेंगे, और भी अब धीरे धीरे क्रेज बढ़ रहा है विदेशों के अंदर जाने का, जैसे दुबई वगैरह भी बहुत सारे लोग जाते हैं। अतः वैश्वीकरण घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया। वैश्वीकरण की मुख्यतः निम्नलिखित निम्नलिखित शामिल है, तो इसके अंदर क्या क्या देखेंगे। ये कहता है कि विभिन्न देशों में उत्पाद व सेवाओं के प्रभाव में ट्रैफिक, सीमा शुल्क, टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? सीमा शुल्क, गैर टैरिफ बाधाओं, परिणाम जैसे कोटा, परमिट, लाइसेंस आदि को कम करना। आप देखते हैं कि अगर मान ले आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आपसे सीमा शुल्क लिया जाता है, यानी कि अगर आप एक देश की कंट्री, मतलब आप अपने देश की सीमा को लांघ के दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए जाते हैं तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, वो टैक्स को माफ़ किया जाए, उस वो टैक्स नहीं लगाना चाहिए। टैरिफ क्या होते हैं? जो टैरिफ उन्हीं कहते हैं जो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधित होते हैं, जैसे टैक्स लगा दिया, कोटा, परमिट, लाइसेंस। जैसे आपको पता है कि वीज़ा मंगवा कहीं देखते हैं वीज़ा बनवाते हैं या लाइसेंस बनवाना पड़ता है व्यापार करने के लिए, तो वो सब क्या है, वैश्वीकरण के अंदर उन चीज़ों में छूट दी जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, कोई फॉरेन कंट्री के अंदर जाएंगे, जितनी बड़ी कंट्री है उसका पासपोर्ट, मतलब पासपोर्ट बनवाने में आपको क्या है उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। ठीक है, विभिन्न देशों में पूंजी के आसान प्रवाह की अनुमति देना, यानी कि वो आसानी से, यानी कि कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ आकर के अपना पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसको करने दिया जाए, इसकी अनुमति होनी चाहिए आसानी से बोलो वो इन्वेस्ट कर सके। विभिन्न देशों में टेक्नोलॉजी के आसान प्रवाह की अनुमति, यानी कि वो यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी का, मतलब जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर तरीके से यूज करे, आसानी से यूज करे। ठीक है, उसकी अनुमति। विभिन्न देशों में श्रम के उदार प्रवाह की अनुमति, यानी कि श्रम के उदार, यानी कि विदेशों से श्रमिक यहाँ आकर के काम कर सकते हैं। ठीक है, और भारत के श्रमिक जिस प्रकार दूसरे देशों में जाते हैं उसी प्रकार भारत के अंदर भी आने चाहिए, मतलब सभी देशों में श्रमों जो श्रमिक है वो आरामदारी से आ जा सकते हैं। जैसे कि भारत के अंदर है, हरियाणा पंजाब के अंदर, जो हरियाणा पंजाब के अंदर क्या है कि जो धान की कटाई है, धान की रोपाई के लिए बिहार उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मजदूर आते हैं, प्रवास करते हैं, तो जिस प्रकार वो आसानी से, उनको कोई वीज़ा नहीं है, उन्हें कोई मतलब रोक टोक नहीं है, वो आते हैं, उसी प्रकार किसी भी देश में वो जाएं तो उन्हें जाने दिया जाए। ये ढील इसके अंदर ढील देनी चाहिए, ये इसकी इसके अंदर वैश्वीकरण के अंदर आते हैं। अब वैश्वीकरण की कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम देख लेते हैं, वैश्वीकरण की कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। तो वैश्वीकरण की परिभाषा, अकाउंटेंट के सामान्य सचिव रूबिन्स रिक्यूपेरो के अनुसार वैश्वीकरण का तात्पर्य तीन मुख्य कारणों से वैश्विक अर्थव्यवस्था के एकीकरण से है। उत्पादों व सेवाओं के व्यापार में वृद्धि, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि, इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की प्रकृति में अंतर। उत्पादन प्रक्रिया केवल एक देश में न होकर विभिन्न देशों में होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवहार, ये सारी चीजें। ठीक है, उनके अनुसार आगे देखते हैं हम, कुछ डेफिनेशंस और भी दे रखी हैं, ये एक दो मतलब डेफिनेशंस आप याद कर लें। तो आगे दे रखे आपको कि सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री दीपक नेर के अनुसार वैश्विक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन और बढ़ते परस्पर निर्भरता, बढ़ते आर्थिक एकीकरण से है। ठीक है, उसके बाद में आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वैश्वीकरण का तात्पर्य विभिन्न देशों के बीच बढ़ती आर्थिक निर्भरता से है, और इसके अंतर्गत विभिन्न देशों में वस्तुओं, सेवाओं, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह, टेक्नोलॉजी के स्वतंत्र आदान प्रदान को शामिल किया जाता है। तो ये आपकी डेफिनेशंस थी। आगे हम देखते हैं कि जो उपयुक्त परिभाषाओं में वैश्वीकरण की विशेषताओं पर कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। किस पर? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकरण, यानी कि जो किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था है उसको यानी कि वैश्विक यानी कि पूरे वर्ल्ड के साथ एकीकरण करना। अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी, टेक्नोलॉजी, विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना, यानी कि अर्थव्यवस्था आपकी अर्थव्यवस्था है
ताकि दूसरे देश के लोग यहाँ पर आके अपने पैसा इन्वेस्ट कर सकें, वो अपनी टेक्नोलॉजी लगा सकें, और विदेशों के साथ प्रतिस्पर्धा, यानी कि जब दूसरे देश की कंपनियाँ यहाँ आएंगी, फैक्ट्री है यहाँ आएंगी, यहाँ के वो इंडस्ट्री लगाएंगी, यहाँ वो आके वो व्यापार करेंगे, तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। जैसे मैंने आटा चक्की का एग्जाम्पल दिया था, अगर किसी जगह एक ही आटा चक्की है तो लगभग लोगों को उसी आटा चक्की से आटा पिसवाना पड़ेगा, वो लोगों की मजबूरी है। लेकिन जब बहुत सारी वहाँ एक दो दुकान और आटा चक्की की खुल जाती है, तो लोगों के पास ऑप्शन होता है कि वो दूसरे के पास भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी है। और फिर वो एक पहले आटा चक्की वाला था, तो आटा चक्की वाले का दूसरे जो जिसने आटा चक्की दुकान है उसके साथ कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। वो सोचेगा कि ये कोई व्यक्ति कट्टा लेकर के आ रहा है मोटरसाइकिल पे, गेहूं का कट्टा जो आपका बोरा जो भी आप समझते हैं वो लेके आ रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि वो मेरी दुकान पे आए, वो सोचा मेरी दुकान पे आए, मेरी दुकान पे आए। ये ऐसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ये आप बाजार में आम देखने को मिलती है। जहाँ एक जगह आपके कपड़े की दुकान होती है वहाँ भी कंपटीशन होता है, जहाँ एक जगह गोलगप्पे वाले रेहड़ी की दुकान होती है दो तीन, तो वहाँ भी उनके बीच कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। तो ये आम बात है। तो ये यानी कि विदेशों के साथ प्रतिस्पर्धा ऐसी हो, इसके लिए वैश्वीकरण इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा होती है तो जो माल है उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है, और वो बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब एक व्यक्ति है उन्हें पता है तुमसे लेंगे, जैसा भी बेचोगे महंगा सस्ता मजबूरी है तुमसे उसी से लेना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपके परचून की दुकान है आपके पास, मतलब आपके गाँव में एक ही परचून की दुकान है, तो मजबूरी आप उसी से लेना पड़ेगा, चाहे वो महंगा दे सस्ता दे। उसी जगह दो तीन दुकान अगर और खुल जाएं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है, और फिर वो क्वालिटी भी बढ़िया कर देगा, रेट भी थोड़ा कम देगा एक दूसरे से एक दो रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ है निर्यात आयातों के प्रति उदार दृष्टिकोण, स्वतंत्र विश्व व्यापार के रास्ते आने वाले रुकावटें जैसे टैरिफ कोटा, ये हमने देख लिया था, बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रसार, विदेशी पूंजी का आसान प्रवाह, ये हमने देख ही लिया था। आगे देखते हैं कि जो वैश्वीकरण की विशेषताएं तत्व कौन कौन से हैं, तो ये आपका है कि उत्पाद व सेवाओं का स्वतंत्र व्यापार, यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं और जो सर्विसेज हैं वो स्वतंत्र, उसमें कोई बाधा नहीं हो, ठीक है। जैसे कि वैश्वीकरण में उत्पादों और सेवाओं के आयात निर्यात के लिए उदार नीति अपनाई जाती है, विभिन्न देशों के मध्य उत्पाद व सेवाओं का क्रय विक्रय लगी टैरिफ वगैरह टैरिफ बाधाओं को हटाया जाता है, संपूर्ण विश्व एक वैश्विक इकाई माना जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आज के टाइम में मतलब जो भी प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे कि भारत के अंदर जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उस जूट को क्या दूसरे देशों में हम बेच देंगे, ठीक है। उस जब हम दूसरे देश के साथ व्यापार करेंगे तो कुछ टैक्स, यानी कि कुछ टैक्स देना पड़ता है, सीमा शुल्क देना पड़ता है, उस चीज़ की क्या पाबंद, उस टैक्स को हटा दिया जाए स्वतंत्र प्रभाव से। मतलब भारत जूट का जो है जो प्रोडक्ट्स है उनको बेचे रहे, जूट को बेचता रहे, कोई टैक्स नहीं है, दूसरे देशों को सप्लाई करता रहे, ठीक है। और सेवाएं, यानी कि आज के टाइम में जो भी साइंटिस्ट हैं, जैसे कि इसरो भारत के अंदर इसरो है, तो जो कोई भी मतलब इससे रिलेटेड स्टडी करता है, मतलब स्पेस से रिलेटेड स्टडी करता है, अच्छे भारत के अंदर इंजीनियर है, वैज्ञानिक्स हैं, ठीक है, और शोध करता है, वो अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो उनको क्या है जो विदेशों के जो विदेशी कंपनी है वो उन्हें अपने देश में ले जाती है और वहाँ उनके मतलब सेवाएँ लेती हैं और उन्हें अच्छा पैसा देती है। जैसे मान लीजिएगा कि भारत में कोई एक बढ़िया व्यक्ति है जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई बढ़िया इंजीनियर है, वो मतलब अच्छा खासा है, या कोई टीचर भी हो सकता है जो अच्छा पढ़ाता हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम ग्रामर की अच्छी नॉलेज रखता हो, तो उसको क्या इंग्लैंड या अमेरिका के देश के लोग उसको ले जाएंगे अपने देश में, कहेंगे कि आप आइएगा हमारे देश में पढ़ाइएगा, हम आपको बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है सेवाएं, तो इस प्रकार सेवाएं मतलब जो सेवाओं का मतलब क्या है कि कर्मचारी वहां जा करके, ठीक है। पूंजी व टेक्नोलॉजी का आसान प्रवाह, पूंजी व टेक्नोलॉजी का आसान प्रवाह, यानी कि दूसरे देश में जाकर क्या पूंजी लगाई या बेधड़क। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि जो आपका पूंजी मतलब जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया थोड़ी धीमी पड़ गई थी, क्योंकि दूसरे देशों के अंदर, यानी कि उन्हें पता था कि अगर वो दूसरे देश में जाकर पैसा लगा देंगे युद्ध की स्थिति है, उनका पैसा डूब सकता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या है ये चीज़ें कम हो गई। लेकिन जैसे जैसे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम बीता और धीरे धीरे लोग क्या दूसरे देशों में जाके पैसा इन्वेस्ट करने लगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे, ठीक है,
तो ये चीजें हैं। आगे है श्रम का उधार प्रवाह, यानी कि श्रम यानी कि लेबर लेबर लिबरल मूवमेंट ऑफ लेबर, यानी कि वैश्वीकरण श्रम के विभिन्न देशों के मध्य अंतर भारी प्रवाह का उधार किया जाता है। मानव संसाधनों के प्रवास तथा उत्प्रवास संबंधी प्रावधानों का उधार बनाया जाता है। यानी कि मैंने बात की थी कि जैसे कि कोई व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो भारत के अंदर करता है, तो उसको क्या है कि वो भारत के अंदर